एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सुबह हो गया, कल का ब्लॉग वहीं तक, दीदी के यहाँ से फिर आने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और अभी आज दोपहर से पूजा है बहू रानी के यहाँ, तो आज बिट्टू का और पायल का है एनिवर्सरी, तो आज वही एनिवर्सरी के ये पे उन लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा है लोग, तो ये भी पूजा होगा। तो पंडित जी आएंगे 12 बजे और 1 बजे से पूजा है, तो ये रेडी हुए हैं वहीं जाने के लिए। देखते हैं पंडित जी आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या होता है। और गर्मी तो मत पूछिए, बाप रे बाप, इतना गर्मी है कि एसी में से निकल के यहाँ से वहाँ कैसे जाएं वही चिंता हो रहा है, इतना गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं पूजा पाठ और एनिवर्सरी। तो चलिए बाहर देखिए कितना है धूप, हालत खराब हो जाएगा धूप में। तो यहाँ पे साक्षी एक चिड़िया का बच्चा लेके आई थी अपने घर से, पता नहीं वो कहाँ का बच्चा था, तो यहाँ पे घोंसला लगाया हुआ था चिड़िया, तो ये सोची कि इसी का बच्चा है इसीलिए लाके इसको यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे ख़त्म हो गया है हवन,
और अब स्टार्ट होने जा रहा है आरती, और पंडित जी कुछ कुछ बातें वगैरह बता रहे थे, वही हम लोग बैठ के सुन रहे थे यहाँ पे। और अब होगा आरती और पुष्पांजलि वगैरह होगा। तो पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं, पर यही है कि थोड़ा उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 70 अप इनका एज हो गया है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाते हैं। पर वही है कि बहुत आस्ते आस्ते मैंने बहुत स्थिर से होकर पूजा करवाते हैं। तो चलिए आप लोग अब ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं अभी तक नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए अब आप लोग आरती में शामिल हो जाइए।
तो यहाँ पूजा वगैरह सब खत्म हो गया, अब प्रसाद बांटने का समय आ गया था। तो यहाँ पे मैं और नूपू बैठ गए थे प्रसाद लेके बांटने के लिए, और कटा हुआ फल में इतना सारा चींटी लग गया था ना, चींटी तो बहुत ही परेशान करके रख दिया है यहाँ पे। और ये देखिए तरबूजा मैं काटती थी, इतना अच्छा था तरबूजा, और देखने में भी लाल लग रहा था और खाने में भी मीठा था। तो यहाँ प्रसाद वगैरह बांटने के बाद में यहाँ पे अब गठजुड़ाव होता है ना, तो वही खोल रहे थे यहाँ पे। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा इस जोड़े को कि भगवान हमेशा सलामत रखे और इसी तरह हर साल पूजा भगवान का कराते रहे। तो चलिए, आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर में इस मंथ में सिर्फ एनिवर्सरी है। तो चलिए।